पूरा गांव ढूंढी आया और ये ससुर रंपत मिली नहीं रहा। ये लालटेन घड़ा कहां, अभी कब से कब ये संभाल ली इस काम। खिड़की से कोई दिख नहीं रहा। रंपत, अरे रंपत बाहर आओ, ये कौन सा काम संभाल, धत ऊपर चढ़ा रहा बुखार की तरह। क्या है? इतना बढ़िया ठाट बाट से रहते थे। साजी भाई, हाँ दाल भात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत दिन बाद आए। ये बताओ जी, तुम्हारे तो बड़े ठाट थे, मोटरसाइकिल से घूमते थे और बढ़िया मकान का किराया दे दिए। का लालटेन हो, ये घड़ा हो, ये कौन से कबड़िया रख लिया है, ये झोपड़ी रख, फार्म हाउस देखा है। हाँ, अच्छा फार्म हाउस, ये फार्म हाउस न्यू फैशन चीज है। ये देखो इधर देखो, पीछे बंगला देखो, ये गार्डन देखो। ये बंगला आपका है? हाँ, ये तुम्हारे बाप का है। ये गार्डन देखो, चाय वाले के पैसे लिए थे, हिंदुस्तानी चीज है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, किस काम से आए? कुछ खर्चा पानी चल रहा है कि नहीं? एक क्लाइंट लाया हूँ। क्या? वो दिमाग तुझे लगाना होगा, मतलब? बस बेटा, अगर बात बन गई तो पौ बारे खूब। रात दिवाली, दिन दशहरा, एक अफसर लड़का है। अच्छा। पैसा खूब कमाता है, उसको मोबाइल से पता नहीं कौन सी लड़की, चालू चिड़िया है वो। अच्छा। उसने उसको फांस लिया है, मोबाइल में कई फोटो ले लिए हैं उसके। अबे आजकल तो जमाना चल रहा है, नेट से लो, फिर गूगल से लो, जाने कहां कहां से फंस जाता है मामला, तो यही गड़बड़ हो गया। अबे हम तुमको अपना वाकया बताएं। क्या? एक औरत मुझसे बात करती थी मोबाइल पे। अच्छा। हमने बहुत दिन बात की, एकदम तैयारी हो गई फिर कि अब काम हो जाएगा। अच्छा। मगर साहब हमने अपनी फोटो भेजना, और जब फोटो भेजी तो सारा काम सुस्त हो गया। अबे वो 70 साल की थी। ये बाय डाटा ऐसे ही लोग बनाते हैं, अपनी जगह अपनी बिटिया का फोटो लगा तो देते। किस काम से बता? मैं आया हूँ, एक लड़का है, उसको तुझे किसी सूरत से उसके चुंगल से निकालना, लड़की के। अच्छा। पैसा जो चाहे तू बता और मैं उससे तुझे दिला काम दूंगा। हो जाएगा काम, हो जाए फिर काम हो जाएगा। ये काम कर, उसके बाद देखा जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेके आ, मिलवा दे उससे 10 गुना ज्यादा पैसा बताना। लेके आ, काम होना चाहिए, पैसा कुछ भी लग जाए। आओ। अलिंग, यहाँ क्यों लायो? अरे यहाँ इसलिए लेके आए, मम्मी तो राजी नहीं हो रही। हाँ? तो मैं अपने चाचा जी से आपको मिलवा दूं। मम्मी राजी नहीं हो रही है तो तुम चाचा से मिलवाने आ गए? क्यों, तुम्हारी मम्मी क्या चाचा की बात ज्यादा सुनती है तुम्हारे पापा की बात की? मेरी मम्मी चाचा को बहुत चाहती है। पापा से ज्यादा चाचा को चाहती है? हाँ, और चाचा जी अगर हमारी तुम्हारी शादी के लिए राजी हो गए ना, तो समझ लेना मम्मी जी भी राजी हो गई। तो फिर जल्दी से बुलाओ चाचा जी को। अरे बुलवा रहा हूँ ना। बुलाओ। अंकल कहाँ गए? अंकल जी ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं भाई? अंकल, चाचा जी नमस्ते, कैसे आए? अरे वही बात। अच्छा, समझ लियो। अबे ये बता चाचा, 10 मिनट बाद आता। चालू, अभी पुरानी आदत आपकी छूटी नहीं बेटा। क्या वही है? ये वही है, वही है। हाँ बेटा बताओ। अंकल, बताया ना अंकल को? अच्छा 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 अच्छा। अरे भाई वो बात इस लड़की की पक्की होनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे इसका मत माहिर है, पैसे की बात कर लेना। हाँ बेटा, क्या समस्या आपकी? चाचा एक चीज हमको बताओ। हाँ। हमसे एक लौंडिया नहीं झेली जा रही, वो आप अभी तक भाई पुराने शौक में लगे हुए हो। बेटा ये बात, अबे ये तेरी बात के लिए हम लोग बातचीत कर रहे, हम लोग अपना शौक नहीं पूरा कर रहे बेटा। वो भी रिटायर है, हम भी रिटायर है, घर के अंदर। हाँ कहा बेटा, बाहर। तुम्हारी बात अलम नसरा हो रही, चौराहे पे लेके तेरी इज्जत बर्बाद। बेटा, चाचा ये बचपन का शौक है। हाँ। बुढ़ापे में ज्यादा जोश पकड़ता है। सुधरे नहीं चाचा, आप अभी भी हैं। सुधर जाते तुम कहाँ से आते चाचा? हाँ। ये
जो बताया था ना अंकल, वही 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 हाँ वही वही हाँ। तो ये क्या कर रही है? अरे इसकी शादी की बात करनी है। अच्छा अच्छा, शादी बात, ये बात करने आई है। अंकल हम दोनों लोग बहुत चाहते हैं अंकल, कुछ तो बर्दाश्त कर, मेरे सामने सब कुछ करेगा तो इसको समझाना है। समझाना है अंकल, तुम जाओ यहाँ से, तुम लोग जाओ, हम बताते हैं, समझाते हैं, अकेले भी समझाएंगे। बाहर चल। अबे तुम भी जाओ ना, तुम क्या अभी जी भरा नहीं हुआ? ध्यान रखना, बात पक्की कर लेना। अभी इच्छा पूरी ना हो तो क्या बात बेटा, तुमने इस लड़के ऐसा क्या देखा? क्या देखा? कितना स्मार्ट लगता है, कितना गुड लुकिंग है, अच्छी नौकरी करता है, इतना पैसे वाला है, और क्या चाहिए? मैं तो उससे शादी करूंगी। तुम्हारी इससे मुलाकात कहाँ हुई? मेरी? मैं एक दिन कॉलेज से आ रही थी, ये रास्ते में खड़ा था, मुझे ना लिफ्ट नहीं मिल रही थी। मैंने इससे बोला मुझे घर तक छोड़ दो। फिर रास्ते में इसने मुझे बताया कि ये बहुत बड़े घर का लड़का है। अच्छा अच्छा। फिर मैंने सोचा मैं इसको कैसे छोड़ दूं। फिर मैंने इसको जो पकड़ा है ना, तो बस पकड़ ही लिया, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी अम्मा ने कितनों को पकड़ा है? तुमसे क्या मतलब? ये समझ गया, फसल पकड़ी पकड़ा वाली है। मम्मी के बारे में बात नहीं करो, मेरे बारे में बात। एक बात तू बता, तूने इसे घर देखा? हाँ, बहुत बड़ा है। कागज कागज देखे, मकान के कागज देखे? हाँ देखा है। रेंट पे रहता कि उसका खुद का? अरे इसका खुद का है, आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, ऐसे थोड़ी फांस लिया मैंने। मैं उसका चाचा हूँ, मुझे नहीं पता है। मुझे लग रहा बड़े गरीब चाचा है, आप तो कुटिया में रहते हैं, वो बंगले में रहता है। ये सब इसकी देन है। किसकी? जिस पे तुम मर रही हो। क्यों? ये मुझे मार के इस हाल पहुंचा दिया है। बहुत कमीना और नीच किस्म का लड़का है ये। सुनिए, आप उसे एक शब्द नहीं कहेंगे, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बेटा अभी तुम्हारी उम्र खेलने खाने की है, ये सब मत करो, सोचो विचारो। खेलती तो हूँ मैं उसके साथ। क्या खेलती हो है? इसके चक्कर में मेरी शादी में रापा झेल रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए, आप मेरी शादी के लिए राजी हैं कि नहीं हैं? मेरी राय मानो तो तुम्हारे ऊपर शुक्र शनिचर दोनों भारी पड़ रहे हैं। मेरे ऊपर? हाँ। मैं खुद उनके ऊपर भारी पड़ जाऊँ? क्या बात कर रहे हैं? उसका शनि तुम पे भारी पड़ रहा है, ये अच्छा लड़का नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप प्लीज प्लीज देखिए, मुझसे ऐसा कुछ मत कहिए, मुझे उसी से शादी करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आप एग्री हो जाइए। देखिए हम एग्री तो हो जाएंगे, लेकिन उसमें खर्च होगा। क्या खर्च होगा भाई? कुछ मंत्र पढ़ेंगे, कुछ जाप करेंगे, कुछ पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ की क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा मेरे नक्षत्र खराब हो गए जो आप पूजा पाठ करेंगे? तेरे मस्तक की रेखा बता रही, तेरा भविष्य बिगड़ने वाला है। मेरा भविष्य बिगड़ने वाला है उससे शादी करके? हाँ। दिमाग खराब है आपका, मैं कैसे मान लूं? तेरा भविष्य इतना खराब होने वाला उससे शादी करने बाद कि अगर तू पानी में जलती तीली फेंक देगी तो उसमें भी आग लग जाएगी। मुझे पागल समझा है? पानी में जलती तीली डालेंगे, आग लग जाएगी? मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा। पानी में आग? हाँ, पानी में आग, पानी में आग, पानी में आग। सिद्ध करो। और सुनो, अगर सिद्ध हो गया हाँ। तो मैं उसको छोड़ दूंगी। पक्का? क्योंकि मुझे पता ये होना नहीं है। पक्का? हाँ पक्का। हेलो, ला बाल्टी। अबे इतना सुस्त क्यों हो गया है? पानी ले आ। भैया वो माचिस भी ले आना जरा, मैं देखूं कौन सी ऐसी तीली है जिससे पानी में आग लगेगी। अब भी मान जा, मान जा बात हमारी। फालतू बातों को मैं ध्यान नहीं देती, एक तीली बर्बाद हो जाएगी फालतू में आपकी। मैं कह रहा हूँ तेरी जिंदगी बर्बाद तीली तरह हो जाएगी। बकवास मत करो, शादी तो मैं उसी से करूँगी। मेरी भविष्यवाणी खराब नहीं होती कभी भी। मुंह बंद रखो। मुंह तो बंद है। ये देखो। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम इसको देखो। लगी यार
ये मेरी भविष्यवाणी है। आपने सही कहा था। ये मेरी भविष्यवाणी है बेटा, कन्या मान जा। मगर ये कैसे हो सकता है, पानी में आग कैसे लग गई? ये हो सकता है, आप सही कह रहे थे। ऐसे तेरी जिंदगी में आग लगने वाली है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मेरे पास और भी बहुत सारे बॉयफ्रेंड है, मैं उनमें से किसी और को पटा लूंगी। हाँ, किसी और को पटा ले। मैं जा रही हूँ। जा। थैंक यू। जा। चाचा, वो भागती हुई गई है। हाँ। क्या काम हो गया क्या चाचा? बेटा मेरा नाम रंपत हरामी है, सारा हिंदुस्तान जानता है। वाह बेटा, वाह चाचा, पैसा ले ले हो। ये बताओ हुआ कैसे? अगर तुझको बता दूंगा तो फिर मेरी काबिलियत क्या है? अरे फिर भी हम तो तेरे यार दोस्त हैं। हाँ। बच्चे को मत बता, हमें इशारे से बता हुआ कैसे। अबे बेवकूफ साजन भाई, आपको सीखना तो आप अंदर जाके चाचा से सीख लेना। अंदर ठहर जा, पहले तुझे तो बाहर निकाला है, हम तो बाद में अंदर होंगे। कैसे क्या किया ये बता। ये बताओ बात, कहीं पानी में आग लगती है? अबे कहीं असंभव, कोई असंभव। अबे पानी में पेट्रोल था। पानी में पेट्रोल ऊपर आ जाता है, बाल्टी पे पेट्रोल था। हाँ। और पानी डालो तो पेट्रोल ऊपर, पेट्रोल ऊपर। हाँ। माचिस ने डालियो, भक से लगी आग। ये मेरी भविष्यवाणी है। आपने सही कहा था। ये मेरी भविष्यवाणी है बेटा, कन्या मान जा। मगर ये कैसे हो सकता है, पानी में आग कैसे लग गई? ये हो सकता है, आप सही कह रहे थे। ऐसे तेरी जिंदगी में आग लगने वाली है। नहीं नहीं नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मेरे पास और भी बहुत सारे बॉयफ्रेंड है, मैं उनमें से किसी और को पटा लूंगी। चाचा। हाँ। इसी बात में बताओ कितने पैसे दे दूं मैं? 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। बस 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 70, जहाँ रुका है वहीं दे दे। हाँ? उतने दे दे तब रुका है। 70,000। हाँ ठीक है चाचा, मेरी जिंदगी तो बची। बच गई बेटा, मेरी जिंदगी बना दे। चलो चाचा, बची तब लाखों पाए, लौट के हम लोग घर को आए। अच्छा अंदर।